हेलो बच्चों, देखिए अब हम लेके आए हैं हमारा नया टॉपिक मैट्रिसेस। इसके एमसीक्यू हम लोग इस लेक्चर में सॉल्व करेंगे, तो देखिए कितनी आसानी से हम लोग इनको सॉल्व करेंगे। एंड विल अप्लाई अ वेरी सिंपल अप्रोच, जितना इजी से इजी अप्रोच हो सकता है वो हम लगाएंगे। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन है, आपको मैट्रिक्स के ए आई जे एलिमेंट दे रखे। तो देखो यार, एक बात समझिए, एक बार आई जे के बराबर और एक बार आई जे के बराबर नहीं है। तो अगर 2x2 मैट्रिक्स है ये, तो खुद देखिए इस टाइप से आता है A11, A12, A21, A22। तो डेफिनेटली यहाँ आई और जे बराबर है, तो उस केस में एलिमेंट्स क्या दे रखे हैं अगर आप देखें तो, व्हेन आई इज़ इक्वल्स टू जे, तो हमारे पास ये एलिमेंट्स क्या दे रखे हैं, 0 0। और जब हमारे पास यहाँ पर देखिए आई जे के बराबर नहीं है तो क्या दे रखा है, 1। तो हमसे कहा गया है कि जी इसका स्क्वायर निकालना है, तो ये ए हो गया। तो ए स्क्वायर के लिए हम क्या करेंगे, इसी मैट्रिक्स को सेल्फ मल्टीप्लिकेशन कर देंगे। देखिए मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो क्या आएगा, 0 और ये 1। और अब आप सेकंड उसके साथ करेंगे तो 0 और 0, और ये देखिए यहाँ से 0, ये 0 और ये 1। तो बेसिकली क्या आ गया, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स बी इज द राइट ऑप्शन। ओके क्वेश्चन नंबर 2, कुछ पता नहीं क्या पूछ रखा भाई, ये मटेरियल में दे ही नहीं रखा, तो आई एम लिविंग इट। क्वेश्चन नंबर 3 में हमसे क्या दे रखा है कि एक मैट्रिक्स ए दे रखा है और एक बी। जो मैट्रिक्स ए है वो बी के स्क्वायर के बराबर है, तो यार बी का स्क्वायर कैसे निकलेगा। बी का स्क्वायर निकालने के लिए बी को सेल्फ मल्टीप्लाई कर दीजिए, एक्स 1 0 1 का मल्टीप्लिकेशन इसके साथ करेंगे आप। तो अगर आप ये मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो दिस मैट्रिक्स इज कमिंग आउट टू बी एक्स स्क्वायर, एंड नेक्स्ट वन इज योर नेक्स्ट एलिमेंट विल बी 0, देन एक्स प्लस 1 एंड देन 1। और ये किसके बराबर है, मैट्रिक्स ए के बराबर। मैट्रिक्स ए क्या दे रखा है, 1 2 0 1। तो अब यहाँ ज़रा ध्यान से देखिएगा, एक तरफ आ रहा है एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 1 और एक्स प्लस 1 इक्वल्स टू 2। तो यहां से एक्स आया प्लस माइनस 1, तो एक्स आपका प्लस माइनस 1 आ रहा है। तो आपको ये भी देखना पड़ेगा कि क्या दोनों सॉल्यूशन इसको सेटिस्फाई करेंगे, क्योंकि बच्चे प्लस माइनस 1 कर आते हैं। तो एक्स प्लस 1 इक्वल्स टू 2 आ रहा है, तो यहाँ से एक्स इक्वल्स टू 1 आ रहा है, तो दोनों का कॉमन सॉल्यूशन तो 1 है। माइनस 1 सेटिस्फाई नहीं करेगा, क्योंकि अगर एक्स को माइनस 1 यहाँ डालेंगे तो विच इज नॉट सेटिस्फाइंग इट। सो द ओनली सॉल्यूशन इज 1। ओके अब ये कहता है कि ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, तो देन एक्स किसके। देखो यार, सिमेट्रिक मैट्रिक्स की एक खास बात होती है, बच्चे ट्रांसपोज वाली डेफिनेशन लगा के पूरा बड़ा मैट्रिक्स, ए आई जे एलिमेंट ए जे आई के बराबर होता है सिमेट्रिक में। और सीधा सीधा हिसाब होता है, यानी कि ए 1 2 एलिमेंट ए 2 1 और ए 2 3 इक्वल टू ए 3 2। तो यार ये पोजिशन है ए 1 2 और ये है ए 2 1, ये दोनों बराबर हो जाएंगे, यानी एक्स स्क्वायर माइनस 2 इक्वल्स टू 7। तो दिस विल इम्प्लाई एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 9, तो एक्स आ गया प्लस माइनस 3, तो ए इज़ द राइट ऑप्शन। अब ये है स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, को तो कहता है कि देन एक्स इक्वल्स टू। ओके स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स की एक खास बात होती है जो आपको समझनी चाहिए, एक तो उसके डायगनल ऑड ऑर्डर की मैट्रिक्स है, तो डायगनल एलिमेंट्स 0 आएंगे, तो एक्स स्क्वायर माइनस 9 इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से आ गया एक्स इक्वल्स टू प्लस माइनस 3। अब हमारे पास एक और चीज़ है यार, कहोगे कि सर ये वाली इक्वेशन का क्या करेंगे। यहाँ डेफिनेशन होती है ए आई जे इक्वल टू माइनस ए जे आई, यानी कि एक्स स्क्वायर प्लस 6 इसके नेगेटिव के बराबर होगा, तो यानी कि इक्वल्स टू मैं क्या कर दूँ, 5x। तो एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 इक्वल्स टू 0। इसका मिडिल टर्म स्प्लिट होगा x माइनस 2 और एक्स माइनस 3 इक्वल्स टू 0। तो दो सॉल्यूशन आ रहे हैं 2 एंड 3, लेकिन अब आपको देखना पड़ेगा क्या दोनों सेटिस्फाई करते हैं। अगर मैं माइनस 3 लेता हूँ यहाँ पे, सपोज देखिए प्लस 3 तो डेफिनेटली दोनों में है, तो कॉमन सॉल्यूशन तो 3 ही आएगा, माइनस 3 तो आएगा नहीं। और क्योंकि अगर आप यहाँ से एक्स इक्वल्स टू 2 लेते हैं, इफ़ आई सब्स्टिट्यूट हियर 2, तो ये आ जाता है यहाँ पे 10। ओके ओके ओके
सॉरी माइनस थ्री लेता हूँ ओके और टू सॉरी टू ले रहे हैं, टू पे ये टेन आ रहा है और ये जीरो नहीं आ रहा, तो यानी कि x इक्वल्स टू टू तो मैंने नेगलेक्ट कर दिया। सिमिलरली x इक्वल्स टू माइनस थ्री ले रहा हूँ, माइनस थ्री पे ये जो एक्सप्रेशन आ रहा है ये आ रहा है 15, ओके इट इज़ कमिंग आउट टू बी 15 आ रहा है, ठीक है। एंड ये हमारा कितना आ रहा है, ये भी 15 आ रहा है, ये भी पॉसिबल नहीं है। क्यों पॉसिबल नहीं है, क्योंकि एक दूसरे के नेगेटिव के बराबर होने चाहिए। सो द ओनली सॉल्यूशन इज 3। तो देखिए अच्छा क्वेश्चन है, बहुत सोच समझ के सेट किया हुआ क्वेश्चन है, तो क्वेश्चन के सारे पैरामीटर्स देखने हैं। देखिए यहाँ पे आपके तीन सॉल्यूशन निकल के आ रहे थे, 2, 3, -3। हमने क्या देखा कि 2 और -3 सेटिस्फाई नहीं कर रहे हैं, बल्कि हमारा खाली 3 सेटिस्फाई कर रहा है, ओके। अब ये कह रहा है कि 6 क्वेश्चन में ये स्केलर मैट्रिक्स है, तो हमसे कहा गया है कि एक्स प्लस वाई की वैल्यू निकालिए। यार स्केलर मैट्रिक्स की क्या खास बात होती है, उसके सारे डायगनल एलिमेंट्स किसी कांस्टेंट के बराबर होते हैं, तो x माइनस थ्री भी 7 होगा और 2y-7 भी 7 होगा, तो यहाँ से x आएगा 10 और y आएगा 7, तो दोनों का सम कितना आ जाएगा 17, क्योंकि x प्लस वाई की वैल्यू पूछी है। सो दैट इज द करेक्ट आंसर। अब आप देखिए हमारा क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 में हमसे क्या पूछ रहा है, मैट्रिक्स ए का ऑर्डर दे रखा है, सी मैट्रिक्स ए का ऑर्डर हमें दे रखा है, ठीक है। और वो कहता है कि ये ट्रांसपोज है भाई, यहाँ पे ए बी ट्रांसपोज और बी ट्रांसपोज ए, कहता है दोनों डिफाइंड है, तो बी का क्या पॉसिबल ऑर्डर हो सकता है। तो यार देखो, अगर बी का ऑर्डर एम क्रॉस एन होता है तो बी ट्रांसपोज का ऑर्डर एन क्रॉस एम होता है, तो मैं हमें यहाँ पे एक बात और ध्यान रखनी, ऑर्डर किसका पूछा है, बी का। तो पहले हम यहाँ ट्राई करते हैं बी ट्रांसपोज का क्या ऑर्डर हो सकता है कि सो दैट प्रोडक्ट डिफाइन हो जाए। तो आप जानते हैं प्रोडक्ट कब डिफाइन होता है, ए एम इंटू एन और बी से एन इंटू पी, यानी कि मैट्रिक्स ए में उतनी रो हो जितनी बी में कॉलम हो। तो चलो स्टार्ट करते हैं। ए के पास हमारे पास इसका ऑर्डर है 2003 x 2024, ओके। एंड मैं बी ट्रांसपोज का ऑर्डर क्या लेना पड़ेगा, 2024 तो लेना ही पड़ेगा क्योंकि ये बराबर करना है, इसको ले लिया x, ठीक है। तो ठीक है, अब अगर मान लीजिए मैं b ट्रांसपोज ये लिखता हूँ तो 2024 क्रॉस x और a का ऑर्डर है 2023 x 2024, तो x को 2023, यानी कि b ट्रांसपोज का जो ऑर्डर आ रहा है वो 2024 x 2023, तो b का ऑर्डर क्या आ जाएगा 2023 x 2024। तो मेक श्योर के यहाँ पे करेक्शन, क्योंकि बच्चा क्या करता है बी ट्रांसपोज का लिख देता है। अब 8th क्वेश्चन में मैट्रिक्स ए का ऑर्डर दे रखा है और कहता है ए बी और बी ए दोनों डिफाइंड है। अब ए बी और बी ए दोनों डिफाइंड है तो ए का ऑर्डर यहाँ इसके साथ साथ लिखिए 2023 2024, और बी क्या होना चाहिए 2024 x, ठीक है। तो यानी कि ये तो सर्टेन है, अब बी अगर 2024 x है तो बी ए भी डिफाइंड होना चाहिए, तो ए क्या लिखें यहाँ पे, यानी एक्स को क्या होना पड़ेगा 2023, यानी कि बी का ऑर्डर आएगा 2024 x 2023, तो 2024, सो डी इज द ऑप्शन। अब ये कह रहा है कि ये जो मैट्रिक्स है डायगनल मैट्रिक्स है, तो एक्स वाई, तो डायगनल मैट्रिक्स की खास बात क्या होती है कि उसके जो नॉन डायगनल एलिमेंट्स हैं ये सारे क्या होने चाहिए, ये जीरो होने चाहिए। अगर ये जीरो होने चाहिए तो वाई माइनस एक्स भी जीरो आएगा और एक्स प्लस वाई भी टू आएगा। तो इसने प्रोडक्ट पूछा है, एक बात का ध्यान रखिएगा, तो एक्स प्लस वाई इक्वल्स टू टू, या तो इन दोनों इक्वेशंस को ऐड ही कर दो यार, ज़्यादा बेटर रहेगा। अगर दोनों को ऐड करते हैं तो 2y = 2, तो y इज इक्वल टू 1 और एक्स वाई के बराबर है, तो एक्स वाई का प्रोडक्ट क्या आना चाहिए 1। तो दिस इज द आंसर। आई होप ये क्वेश्चन आपको सबको समझ में आएंगे, तो इतने मुश्किल क्वेश्चन नहीं है, तो थोड़ा ढंग से इनका एलिमिनेशन प्रोसेस से आप इनको सोल्व कर सकते हैं।
नाउ द नेक्स्ट सेट ऑफ क्वेश्चन इज, ये क्वेश्चन जरा ध्यान से देखिएगा. कहता है इफ ऑल एंट्रीज ऑफ ए स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2, 3, -3 और 0, कहता हाउ मेनी नॉन जीरो मैट्रिसेस आर पॉसिबल. देखो यार, इसका एक तरीका होता है. किसी भी 2x2 मैट्रिक्स में हमारी चार एंट्री होती है, ए बी सी डी. अब पहला एलिमेंट भरने के लिए मेरे पास तीन ऑप्शन है, इसके लिए भी तीन है, क्योंकि यहाँ कोई सेट का कंसेप्ट नहीं, इसके लिए भी तीन है, इसके लिए भी तीन है. तो यहाँ से बने हमारे 3:4 मैट्रिसेस, क्योंकि सबको गुणा करेंगे या मल्टीप्लाई करेंगे. तो अब लेकिन सवाल उठा, एक केस ऐसा भी तो हो सकता है जिसमें सारी के सारी एंट्री जीरोज हों, तो वो यहाँ से एलिमिनेट कर देंगे, यानी कि 81-1, सो 80 इज द राइट आंसर. अब 11th क्वेश्चन, इफ ऑल पॉसिबल स्क्वायर मैट्रिसेस ऑफ ऑर्डर 3 आर आइदर 1 or 0, देन हाउ मेनी डायगोनल मैट्रिसेस. भाई डायगोनल मैट्रिसेस बनानी है तो पहले तो डायगोनल मैट्रिक्स को देखिए. अब यहां बच्चा गलती करता है डायगोनल मैट्रिक्स बनाते वक्त, यार ऐसे बनाएंगे. ये तो जो जीरो हो गए, ये तो फ्रीज हो गए भाई, इसका तो एक ही वे है. डायगोनल पे तो कोई भी एलिमेंट आ सकता है, जीरो भी आ जाए क्या फर्क पड़ता है. नल मैट्रिक्स, नल स्क्वायर मैट्रिक्स क्या होती है, डायगोनल होती है. दो ऑप्शन इसके लिए हैं, दो ऑप्शन इसके लिए हैं, दो इसके लिए, तो 2:3, यानी कि 8 इज द करेक्ट ऑप्शन. सो आई होप इट इज क्लियर. अब ये भी बड़ा अच्छा क्वेश्चन है. कहता है इफ ऑल एंट्रीज ऑफ ए स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3 आर आइदर 5 or 0, देन हाउ मेनी आइडेंटिटी मैट्रिक्स. सॉरी, क्वेश्चन नंबर 12 पहले करते हैं. इफ ऑल एंट्रीज ऑफ ए स्क्वायर मैट्रिक्स आर 3 or 0, देन हाउ मेनी स्केलर. अब स्केलर मैट्रिक्स में क्या होता है कि आपका डायगनल किसी कॉन्स्टेंट के बराबर होता है और बाकी जीरो. तो नॉन डायगनल के लिए तो खाली यार आपके पास एक ही ऑप्शन बचा. अब के लिए कितने ऑप्शन है, प्लीज टेल मी हाउ मेनी ऑप्शंस आर देयर टू फिल के. या एक तो ये हो सकता है कि आपके पास के सब जगह जीरो आ जाए, एक मैट्रिक्स तो ये बन जाएगी. और दूसरा क्या हो सकता है, क्योंकि सारे इक्वल होने चाहिए, ऐसा नहीं हो सकता ना कि कुछ के जीरो हो जाए कुछ नहीं. और दूसरा क्या हो सकता है, के आपका 3 हो सकता है. तो देर आर ओनली 2 पॉसिबिलिटीज, या तो के जीरो लेगा, तो देर आर 2 केसेस, सो वी हैव ओनली 2 मैट्रिसेस. देखिए वो दो मैट्रिसेस ऐसे आएंगी, एक तो सारी नल हो जाएंगी ऐसे, और दूसरा ये हो जाएगा कि इस टाइप से. ओके, नाउ नेक्स्ट इज इफ ऑल एंट्रीज ऑफ ए स्क्वायर मैट्रिसेस ऑर्डर 3 आर 5 or 0, देन हाउ मेनी आइडेंटिटी मैट्रिसेस आर पॉसिबल. आप बताओ, कॉमन सेंस का क्वेश्चन है, एक भी नहीं बनेगी, क्योंकि आइडेंटिटी मैट्रिक्स में हमें डायगोनल पे 1 चाहिए और 1 उसने दिया नहीं है. तो भाई 0 तो दे दिए, तो एक भी नहीं आएगा, तो डी ऑप्शन आएगा, तो सोचने की भी जरूरत नहीं है. नाउ क्वेश्चन नंबर 14 इज अ वेरी ट्रिकी क्वेश्चन. ये एक बार आईआईटी जेई में भी आया हुआ क्वेश्चन है. तो ये हमसे कहता है, तो मैं पहले लिख लेता हूँ, हमें कितने 1 दे रखे हैं, 5 1 दे रखे हैं, 1, 2, 3, 4, 5 और 4 0, 1, 2, 3, 4. टोटल नंबर ऑफ सिमेट्रिक मैट्रिसेस निकालनी है थर्ड ऑर्डर की. तो यार देखो, सिमेट्रिक मैट्रिक्स लिखने का तरीका, A11, A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32, A33. इनको यूज़ करनी है. देखो इसमें टोटल 9 एलिमेंट और 9 ही दे रखे हैं, तो कितनी बना सकते हैं ये समझना बहुत ज़रूरी है. यहाँ एक खास बात है, मैं अंडरलाइन कर रहा हूँ जो समझने वाली बात है. देखिए अगर आपने ये एलिमेंट भर दिए तो ऑटोमेटिकली ये वाली एलिमेंट, क्योंकि डेफिनेशन होती है AIJ = AJI, यानी कि A12 एलिमेंट तो A21 के बराबर आएगा और A13 A31 के और A23 A32 के बराबर आएगा. तो यहाँ केसेस बनाते हैं. पहला केस बनाते हैं, क्या सारे डायगनल जीरो हो सकते, चारों जीरो डायगनल पे ले सकते हैं, जी नहीं ले सकते, क्योंकि अगर 3 0 इधर आ गए तो एक इधर जीरो आएगा, तो जीरो इधर नहीं बचेगा, क्योंकि ये इक्वल आने चाहिए. तो यहाँ हम क्या के ले रहे हैं कि 3 1 तो हमने ले लिए डायगनल पे, ठीक है. तो अब हमारे पास अगर हमने 3 1 डायगनल पे ले लिए तो 2 1 बचे, 2 1s और 4 0 हमारे पास बची. तो यार बहुत सिंपल है, अब अगर 1 को मैं A12 को दूंगा तो दूसरा 1 A21 को ऑटोमेटिकली जाएगा, सीधी बात है.
अब इनको मुझे जीरो जीरो देना पड़ेगा, तो बाकी जीरो इधर अपने आप आ जाएंगे। तो आप खुद बताइए कि ये ऐसे कितने केस बन सकते हैं, प्लीज ट्राई टेल मी दैट हाउ मेनी दीज केसेस। ये जीरो इन पोजिशन पे कितने वे से अरेंज हो सकते हैं, दैट इज 3 factorial by 2 factorial, यानी ऐसी तीन मैट्रिसेस आएंगी, यानी कि तीन मैट्रिसेस तो ऐसी आ गई जिसपे सारे डायगनल पे वन हो, और यानी तीनों डायगनल हमारे वन हो, और बाकी दो वन बच गए और चार जीरो इस जगह हो जाए। क्या दूसरा केस भी बनता है? हाँ जी बनता है, ऐसा भी तो ले सकते हैं, टू जीरोस एट डायगनल, दो जीरो डायगनल पे ले लिए और एक वन, यानी कि मैं ले रहा हूँ जीरो जीरो वन। अब ये जीरो जीरो वन इस डायगनल पे कितने वे से अरेंज हो सकता है, खुद ही बताइए, 3 factorial by 2 factorial, यानी कि तीन तरीके से कर सकते हैं, जो कि बन सकते हैं ये 0 1 0 और 1 0 0, ये इस तरीके से, मैं यहाँ की बात कर रहा हूँ ये a11 a और a22 a33 के लिए। ओके, अब बचे हमारे पास, नेक्स्ट हमारे पास कितने एलिमेंट बचे, यानी कि अपर ट्रायंगुलर में आते हैं कि a12 और a13 और a23 के लिए कितनी पॉसिबिलिटीज बच जाती है, अब उसके लिए ज़रा ध्यान से देखिएगा। अब हमने यहाँ पर कितने वन कंज्यूम कर लिए, हमारे पास कितनी जीरोज बच गई, हमारे पास दो जीरो बच गई और हमारे पास चार वन बच गए, 1 2 3 4, सीधी बात है। तो यार बेसिकली मुझे क्या करना होगा, मैं इन तीन का हिसाब कर दूंगा 1 1 0, बाकी तो ये नीचे तो वही एलिमेंट आएंगे, तो इन तीन पोजीशन पर ये 1 1 0 कितने वे से अरेंज हो सकते हैं भाई। अगर मैं दोबारा रिफ्रेश लिखूँ, दैट इज़ a11 a12 a13 a21 a22 a23 a31 a32 a33, डायगनल तो हमें ये तीन ऐसे मिलेंगे, लेकिन ये अपनी जगह, अगर मान लीजिए यहाँ हमारे पास वन आ गया, यहाँ वन आ गया, यहाँ जीरो आ गया, तो इनको कितने वे से यहाँ इन तीन पोजीशन पे सफल कर सकते हैं, 3 factorial by 2 factorial, दैट इज 3 ways। तो यहाँ कितनी बनेंगी मैट्रिसेस भाई, तीन ये दिस एंड दिस, तो 3 × 3 ये बन गई 9, और तीन हम पहले ऑलरेडी बना चुके थे, तीन जब जहाँ पे हमारे तीनों डायगनल एलिमेंट वन थे, तो टोटल मैट्रिसेस बनेंगे 9 + 3 = 12। तो ये ध्यान से समझने वाला क्वेश्चन है, इट इज़ अ वेरी ट्रिकी क्वेश्चन। तो आ जाए तो भाई ट्रिक हमने आपके साथ शेयर कर दी है कि ऐसे इस क्वेश्चन को आप हल कर सकते हैं। नाउ सी द नेक्स्ट सेट ऑफ क्वेश्चंस, देखिए नेक्स्ट सेट ऑफ क्वेश्चंस क्या है ये भी जरा ध्यान से, ये तो बड़ा सिंपल क्वेश्चन है यार। अगर आप यहाँ से, ये बेसिकली अगर मैट्रिक्स के बाहर कोई एक्स है तो इसका मतलब स्केलर मल्टीप्लाई करना है, यानी कि ये जो पहली मैट्रिक्स है वो आपकी ऐसे बनेगी, प्लीज ध्यान से देखिएगा, एक्स प्लस 2x प्लस 2y प्लस 5y इक्वल्स टू 49। तो यार ऐड कर दो, एक्स प्लस 2y इज इक्वल्स टू 4, 2x प्लस 5y इज इक्वल्स टू 9। तो यार सोल्व करना है तो सीधा सीधा सोल्व करो, जब आप इसको सोल्व करेंगे तो x इज कमिंग आउट टू बी 2 एंड y इज कमिंग आउट टू बी 1। तो आई होप, देखो ये तो क्वेश्चन आप आराम से सोल्व कर सकते हैं। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है यार, कौन सा बड़ी बात है, इस रो को उठा के इस कॉलम के साथ मल्टीप्लाई कर दो, कितना आएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अगला एलिमेंट क्या आएगा आप खुद बताओ, माइनस ए बी प्लस बी ए। तो भाई ये तो चल बसा, यहाँ से एक हिंट तो मिल गया है कि या तो ये ऑप्शन होगा या, अभी तो भाई बाकी है, कोई बात नहीं, माइनस बी ए प्लस ए बी, बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ये कैंसिल हो गया, तो हमारे पास ये तो जीरो जीरो, यानी कि ए ऑप्शन इज देयर। अब ये क्वेश्चन देखिए, ए स्क्वायर हमें दे रखा आई के बराबर, ए स्क्वायर इज इक्वल्स टू आई, अगर ए स्क्वायर आई दे रखा है तो हमें ये वैल्यू निकालनी है, ए माइनस आई का क्यूब प्लस ए प्लस आई होल क्यूब माइनस 7a। तो यार इट इज नॉट सो डिफिकल्ट, एक बात ध्यान रखिएगा, हर एक मैट्रिक्स आइडेंटिटी मैट्रिक्स के साथ कम्यूट करती है, यानी कि ए क्यूब किसके बराबर आएगा, ए इंटू आई, ओके सॉरी, अगर ए स्क्वायर मेरा आई के बराबर है तो आई विल राइट ए क्यूब, ए क्यूब इज ए स्क्वायर इंटू ए, दैट इज आई इंटू ए, दैट इज इक्वल्स टू ए। तो यार इस क्यूब को खोल लीजिए, यहाँ से नॉर्मल खोल लीजिए, क्योंकि यहाँ आइडेंटिटी मैट्रिक्स है तो नॉर्मली खुल जाएगा, यह आएगा आपका ए क्यूब
माइनस थ्री ए स्क्वायर आई प्लस थ्री ए आई स्क्वायर माइनस आई क्यूब, देन यू विल हैव ए क्यूब प्लस थ्री ए स्क्वायर आई प्लस थ्री ए आई स्क्वायर एंड प्लस आई क्यूब एंड डोंट फॉरगेट टू राइट माइनस सेवन ए। अब देखो जरा ध्यान से, प्लीज ट्राई टू, ए क्यूब हमारा किसके बराबर, ए के, ये आ जाएगा माइनस थ्री ए स्क्वायर, ये थ्री ए, आई क्यूब इज आई, ये अगेन ए, ये थ्री ए, यहाँ से अगेन वी हैव फ्रॉम हियर थ्री ए एंड सॉरी थ्री ए स्क्वायर इज अगेन ए, नो नीड टू राइट, एंड दिस इज आई माइनस सेवन ए। नाउ सी, कैंसिल नहीं करना, ये और ये आ जाएगा आपका जीरो मैट्रिक्स, कैंसिल आउट, आई एम जस्ट कैंसिलिंग फॉर अस एंड दिस आई विल गेट कैंसिल विद दिस, सो वी हैव वन दैट इज फोर फाइव एट ए माइनस सेवन ए दैट इज कमिंग आउट टू बी ए, सो योर राइट आंसर इज ए, दैट इज द आंसर। 18th क्वेश्चन देखिए, इट इज अ वेरी वेरी गुड क्वेश्चन टू सोल्व, समझने की कोशिश करिएगा कैसे हम इसको करेंगे 18th क्वेश्चन को। हमें क्या दे रखा, ए बी इक्वल्स टू ए, 18th क्वेश्चन का सॉल्यूशन ध्यान से देखिए, ए बी हमारे पास है ए के बराबर और बी ए हमारे को दे रखा बी के बराबर, तो हमें ये इंफॉर्मेशन दे रखी ए प्लस बी का होल क्यूब इज इक्वल्स टू के टाइम्स ऑफ ए प्लस बी। देखो यार, इस क्वेश्चन का मैं प्रॉपर सॉल्यूशन कर रहा हूँ और प्लीज़ आराम से देखिए, हमें के की वैल्यू निकालनी है। एक तो बच्चे यहाँ पे फॉर्मूला लगा लेते हैं, देखो यार ए प्लस बी का होल क्यूब का मतलब होता है ए प्लस बी इंटू ए प्लस बी का स्क्वायर, और स्क्वायर यहाँ पर देखो यार आपको ए बी इज नॉट इक्वल टू बी है, तो इसको ऐसे लिखेंगे ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी ए प्लस बी स्क्वायर, और जो कि दे रखा के टाइम्स ऑफ ए प्लस बी, इसके बराबर दे रखा। अब हमें जो एडिशनल इन्फॉर्मेशन दे रखी उसका वक्त आ गया यूज करने का, ओके उसको कैसे इस्तेमाल करेंगे वो जरा ध्यान से समझिएगा, हाउ विल यूटिलाइज दैट इन्फॉर्मेशन, दैट इज क्वाइट इम्पोर्टेंट। नाउ ए बी हमें किसके बराबर दे रखा है, ए बी इज इक्वल्स टू ए, तो मैं यहाँ पोस्ट मल्टीप्लाई अगर ए से कर लूँ तो ये आ जाएगा ए स्क्वायर, अगर मैं यहाँ पे एसोसिएटिव लॉ यूज करूँ तो बी ए इक्वल्स टू ए स्क्वायर। अब बी बी ए किसके बराबर है, बी ए इज इक्वल्स टू बी, ये दे रखा है, यानी कि ए बी आपके पास आएगा ए स्क्वायर के बराबर। दूसरी एडिशनल इन्फॉर्मेशन है बी ए इज इक्वल्स टू बी, यहाँ मैं क्या करूँ प्री मल्टीप्लाई कर रहा हूँ बी से, सॉरी पोस्ट मल्टीप्लाई बी से, बी से हम बी ए इज इक्वल्स टू हमें दे रखा है बी के बराबर, ओके ओके दैट इज ओके। ओके बी ए इज इक्वल्स टू बी, तो और एक और चीज़ दे रखी है, यस बी ए इज इक्वल्स टू बी, सो इफ आई व्हाट आई विल डू हियर, यस मैं यहाँ से पोस्ट मल्टीप्लाई कर रहा हूँ तो बी स्क्वायर आ जाएगा, नाउ बी इंटू ए बी इज इक्वल टू बी स्क्वायर। अब ए बी हमें किसके बराबर दे रखा है, ए बी इज इक्वल्स टू ए, तो बी ए आ जाएगा हमारे पास बी स्क्वायर के, तो ये हमारे पास कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन आई। तो अब इस इन्फॉर्मेशन से हम क्या करेंगे, इट इज़ कमिंग आउट टू बी ए प्लस बी। अब ए स्क्वायर किसके बराबर आएगा भाई, ए स्क्वायर
ए बी के बराबर आएगा, प्लस ए बी प्लस बी ए प्लस बी स्क्वायर किसके बराबर है, बी ए। तो देखो अब इसको मैं सिंप्लीफाई करता हूँ तो मेरे पास आएगा ए प्लस बी दिस इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ ए बी प्लस ट्वाइस ऑफ बी ए। तो टू टाइम्स बाहर आ जाएगा ए प्लस बी, ओके। एंड अब ए बी प्लस बी ए, अब ए बी किसके बराबर है जरा फिर देखिए क्वेश्चन में, ए बी इज इक्वल्स टू ए एंड बी इज इक्वल टू बी, सो इट इज कमिंग आउट टू बी टू ए प्लस बी। देखिए क्वेश्चन बहुत ट्रिकी है, इतना आसान भी नहीं है। तो ये आएगा ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी ए प्लस बी स्क्वायर। अब आपको देखा कि ए स्क्वायर ए बी के बराबर है, ये ए बी प्लस बी ए और ये बी ए के बराबर है। तो इट इज़ कमिंग आउट टू बी टू इंटू टू ए बी प्लस टू बी ए, सो दैट इज़ फोर टाइम्स ऑफ ए बी प्लस बी ए। नाउ ए बी और बी ए किसके बराबर है जरा ध्यान से देखिएगा, ए बी इज इक्वल टू ए एंड बी इज इक्वल टू बी, सो इट इज़ कमिंग आउट टू बी फोर टाइम्स ऑफ ए प्लस बी, जिसके ये की है के टाइम्स ऑफ ए प्लस बी के बराबर। तो जी के की वैल्यू आई फोर। देखिए काफ़ी मेहनत करनी पड़ी बट थोड़ा सा दिमाग लगाया तो क्वेश्चन सोल्व हो गया। तो देखिए एग्जाम में हार नहीं माननी है, सबसे इंपॉर्टेंट है हम लोग हार मान जाते हैं। सो द ऑप्शन इज दिस। नाउ 19th क्वेश्चन, सी इसका कैलकुलेशन मैं आपको यहीं करके दिखा रहा हूँ। 19th क्वेश्चन का ए स्क्वायर इक्वल्स टू ए है, तो ए प्लस आई का होल स्क्वायर, तो ए स्क्वायर इक्वल्स टू ए है तो यार एक बात बताइए, सर क्यूब की तो हमें जरूरत ही नहीं पड़ेगी। लेट अस ओपन दिस, ए स्क्वायर प्लस आई स्क्वायर प्लस टू ए आई माइनस थ्री ए। अब ए स्क्वायर किसके बराबर है भाई, ए के बराबर है, तो यह आ जाएगा थ्री ए प्लस आई माइनस थ्री ए, दैट विल कैंसल आउट, सो योर आंसर इज आई। अब ए मैट्रिक्स दे रखी है 1 2 3 और इसका ट्रांसपोज दे रखा है 1 2 3, इसका प्रोडक्ट करना भाई, 1x1 मैट्रिक्स आएगी वो क्या आएगी 1 + 4 + 9, तो आई थिंक 14 1x1, सो दैट इज द आंसर। तो ऐसे क्वेश्चन को करने में कोई ज़्यादा वक्त नहीं लगना चाहिए। अब ये देखिए ये बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन है, इसमें बच्चे नॉर्मली गलती करते हैं, कहता है 2a प्लस बी इज ए नल मैट्रिक्स देन बी इज, आप 2a निकाल लीजिए, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है 2a निकाल लीजिए, 2a क्या आ जाएगा 6 एंड देन इट विल बी 12 देन 10 एंड देन 4। यार क्या b क्या होनी चाहिए इसको, b वो करने पर तो b मस्ट बी द नेगेटिव एलिमेंट ऑफ ऑल एलिमेंट मस्ट बी नेगेटिव ऑफ दिस, यानी कि b मैट्रिक्स आपकी क्या होनी चाहिए मैंने मल्टीप्लिकेशन गलत कर दी है, यहाँ 8 आना चाहिए था तभी कहूँ, ऑप्शन नज़र नहीं आ रहा भाई, तो यहाँ -8 आएगा, -8 -10 एंड -4 भाई, -4 दूर दूर तक नज़र नहीं आ रहा भाई, ये क्या चक्कर है भाई, मेरे ख्याल से तो मल्टीप्लिकेशन यही आनी चाहिए क्योंकि ये आएगा आपका 6 8 10 4, और जब आप माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो बट ऑब्वियस आपके ये एलिमेंट आने चाहिए, तो मोस्ट प्रोबेबली यहाँ पे ये मिसिंग है, तो ये यहाँ पे सी ऑप्शन आना चाहिए। तो डीओई ने थोड़ा सा यहाँ पे मेरे ख्याल से प्रूफ रीडिंग थी में थोड़ा सा वो है, हो जाता है यार एरर, जितना अच्छा मटेरियल बनाते हैं तो कई बार, देखिए मटेरियल बहुत ही उम्दा है नो डाउट, ठीक है, बाकी पीछे बैक आंसर में -4 ही दे रखा है तो आप चेक कर सकते हैं। ओके नाउ लेट अस सी व्हाट इज क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 में हमें मैट्रिक्स ए ये दे रखा है और हमें ये एक्स स्क्वायर टाइम्स ऑफ आई है, इसको सोल्व करना। पहले तो देखिए ए स्क्वायर किसके बराबर आएगा, मैं ए स्क्वायर क्यों निकाल रहा हूँ पहले बता देता हूँ, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास आएगा 9i - 16a² इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर आई। मैंने सीधा इसलिए कर दिया क्योंकि आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, तो नॉर्मल मैंने ए प्लस बी और ए माइनस बी वाली आइडेंटिटी लगा दी। तो अगर आप ए स्क्वायर निकालते हैं तो 0 1 - 1 0 0 1 - 1 0, लेट अस मल्टीप्लाई इट, सो यू विल बी हैविंग, लेट अस मल्टीप्लाई इट 0 देन -1 विल बी देयर
then 0, then 0. Then you will be having 0, 0 and then minus 1. Basically, ये आ रहा minus i के बराबर. A square is minus i. अब देखो, x square i का मतलब क्या है कि उसके diagonal element x square होंगे. तो यार यहाँ से a square को अगर minus i लिखूँगा, तो ये 9i plus 16i is equal to कितना आ गया x square 0, 0, x square. यानी कि ये 25i, यानी कि इसके diagonal element ये आने चाहिए. और यानी कि x square must be equals to 25, x आएगा plus minus 5. So this is the answer. तो ध्यान से करना ऐसे question, कोई बड़ी बात नहीं है. तो it is not so difficult. Okay, यहाँ है एक मैट्रिक्स A को लिखा हुआ है, where P is symmetric, Q is symmetric, then Q is equals to. देखो यार, Q कैसे निकलेगा, बहुत सिंपल है, तरीका समझ लीजिएगा. यहाँ आपसे अब उसका इंटरेस्ट है हाफ, क्योंकि मैट्रिक्स को आप ऐसे लिख सकते हैं, किसी भी मैट्रिक्स को, सम ऑफ स्क्वायर मैट्रिक्स एंड स्क्यू सिमेट्रिक एंड दैट इज एवरी स्क्वायर मैट्रिक्स कैन बी एक्सप्रेस्ड एज ए सम ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स. सो लेट इट बी ए. तो यानी कि ये है स्क्यू सिमेट्रिक. यानी यहाँ से पहले इसका ए ट्रांसपोज निकाल लो. तो 2864 ये इसमें से सबट्रैक्ट करो. सबट्रैक्ट करोगे तो आपके पास आएगा 0 एंड देन यू विल बी हैविंग 8 माइनस दैट इज 2 माइनस 2 0. अब आपको क्योंकि 2 से डिवाइड भी करना है, तो 2 से डिवाइड करेंगे यानी स्केलर मल्टीप्लाई. तो 0 1 माइनस 1 0. ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट वन. ओके, नाउ नेक्स्ट कम्स द क्वेश्चन ऑफ रीजनिंग एंड असर्शन. तो यार ये भी कोई ज़्यादा टिपिकल नहीं है. Assertion, this matrix is a skew symmetric matrix. Absolutely wrong. क्यों wrong है भाई? क्योंकि skew symmetric matrix odd order के diagonal elements सारे zero होते हैं. यानी कि this is wrong. If A is a skew symmetric matrix, A transpose हमारा minus A के बराबर होता भाई. यहाँ पर भी ये correct कर लीजिए. तो कई एक तो इनमें से correct मिलेगा. तो अगर मैं ये तो skew symmetric नहीं है, तो मैं कह सकता हूँ assertion is wrong और reasoning ये दे दे तो ठीक है, जो ज़्यादा बेटर है. तो मेरे हिसाब से इसका होना चाहिए A is true but R is false. यानी कि C option होना चाहिए. तो थोड़ा सा यहाँ पे यही है कि आपको ये चीज़ें देखनी पड़ेंगी. Now next one is, आपको A और B दो matrices दे रखी है. matrix multiplication is not commutative. reasoning तो बिल्कुल ठीक है. अब a प्लस बी इंटू ए माइनस बी का मल्टीप्लिकेशन जो होता है, ये भी करेक्ट है अगर आप यहाँ पे देखें. क्योंकि अगर आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी ए माइनस बी स्क्वायर ये आएगा, क्योंकि ए बी इज़ नॉट इक्वल टू बी ए. तो यानी कि बोथ ए एंड आर ट्रू एंड आर इज़ द करेक्ट एक्सप्लेनेशन. सो हियर इज़ द ए ऑप्शन. तो ये आपका मैट्रिसेस का फुल पैकेज हो गया. तो आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा. सो प्लीज़ Do subscribe to my channel for more videos. Thank you for watching it.